ईजीएस्ट वे। ये जो बॉक्स बनाया है ये देखो हमने, ये बॉक्स इसलिए बनाए, 1 2 3 4 5 6 सिक्स बॉक्स बनाए ये साइड में और सिक्स बॉक्स बनाए हैं दूसरी साइड में। तो हमने यूज़ करना है इन बॉक्सेस में, हम हर बॉक्स से एक बोल डालें तो उसका एक अलग एंगल होगा, ना कि हमें अपना रिलीज पॉइंट चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पे अपना हम कहाँ से कौन से एंगल से बोल डाल रहे हैं, इसमें हम मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे क्रीज का और मैक्सिमम हम एंगल क्रिएट कर पाएंगे। कौन सा एंगल आपको ज़्यादा यूज़फुल है वो आप डिसाइड करना या आपकी टीम डिसाइड करेगी, जो आपकी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये ट्राई करोगे आपको क्लियरिटी आ गई, ये चीज़ है, ट्राई करोगे तो इसको मास्टर कर पाओगे। बार बार ट्राई करो इसको, वीक में एक बार तो जरूर करो, वीक में एक सेशन ऐसा जरूर रखो जिसमें जिसमें आप यहाँ से सोच के जाओ कौन सा एंग कौन से उसमें जाना है, वन तो वन, ठीक है। ऐसे ही हर एक के लिए अब जाना है टू, फिर थ्री, तो वो क्रिएट करो, देखो कौन सा आपको कौन कौन सा एंगल इजीली मिल रहा है और कौन से में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है या आपको रन अप या और चीज़ों में चेंज करना पड़ रहा है और क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। थ्री, ये तीन हो गए, ऐसे ही ये हैं और फिर चार पाँच छः में पीछे से है, थोड़ा पीछे से मेरे को जंप भी पीछे से करना पड़ेगा, तो फोर, तो ये अलग एंगल क्रिएट हो रहे हैं। फिर सेम फाइव, ठीक चल रहा है अभी तक, साथ भी अगर करना है हमने, बॉल भी रिलीज भी करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बाद में फिर आप यूज्ड हो जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो यूज्ड हो जाओगे, ये एंगल्स क्रिएट कर पाओगे। ठीक था, तुम्हें था नहीं था, तुम्हें था, ओके अभी थ्री, ठीक है अभी रेडी बार बार कर रहा हूँ। ऐसे ही हमें अलग अलग बॉक्स में 12 बॉक्स हैं, 12 एंगल हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, yes, कर पाओगे, यस सर, ट्राई करके देखो, यस सर, और वीक में एक बार तो जरूर ट्राई करो, yes, कभी ऐसा एंगल हमें क्रिएट करना पड़ा कहीं ज़्यादा टर्न हो रहा है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके बैट्समैन को ऐसा एंगल क्रिएट करना है कि उसको स्टंप में डालना है, क्योंकि जब हम क्लोज टू द स्टंप डाल रहे हैं तो टर्न होकर बाहर चला जाता है, स्टंप्स में बॉल नहीं रहता, हमने स्टंप्स में बॉल ही रखना है और टर्न भी कराना है, तो एक डिफरेंट एंगल से हम करा सकते हैं, अगर मान लो ज़्यादा टर्न हो रहा है लेग स्पिनर का और हमने वाइड ऑफ द क्रीज डाला स्टंप्स में बॉल, तो स्टंप्स में गिर के स्टंप्स में फिनिश हो सकता है, लेकिन अगर क्लोज टू द स्टंप्स डाला तो स्टंप्स में गिर के स्टंप्स में फिनिश नहीं होगा, ज़्यादा टर्न हो रहा है तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, yes, सबके पास एक एक चांस है, 12 तो 12 बॉक्स हैं, 12 बॉल हो गए, कोशिश करो हर बॉक्स में जाने के लिए, डिलीवरी स्ट्राइड आपको फ्रंट लेग हर बॉक्स में जाए, फ्रंट लेग हर बॉक्स में जाए, ट्राई करो एक बार, ठीक है, तो दोनों साइड हाफ हाफ मीटर ठहरवा, क्योंकि जब आप फील करोगे आपको पता होगा कि
यहाँ से मेरा स्टंप में गिर के स्टंप में फिनिश हो रहा है या स्टंप से बाहर जा रहा है, इनर एज लगेगा, आउटर एज लगेगा, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे जब मैच में आप कर रहे होगे ये चीज़, ठीक है? तो वो फील करो, वो एंगल को कौन से एंगल बन रहे हैं आपके एक्शन के साथ, आपके रिलीज के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ डाउट्स हैं तो पूछो। एंगल चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा? देखो एंगल्स, ये गेम क्रिकेट गेम ही एंगल्स का है। जो जितने अच्छे जिसके एंगल्स सुलझे हुए हैं, जिसको पता है कि किस एंगल से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है। जब हम एंगल यूज करते हैं, हम चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जब हमें एक रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है एक एंगल से, तो वो रिजल्ट लेने के लिए हम दूसरा एंगल ट्राई करते हैं ना, कि एक बैट्समैन एक एंगल से हम बॉल डाले जा रहे हैं और बैट्समैन उसको यूज टू हो गया है, ईजिली खेल रहा है, तो हम थोड़ा कुछ चेंज करके, एंगल चेंज करके, ताकि उसकी टाइमिंग थोड़ी मिस हो जाए, तो इसलिए हम एंगल यूज करते हैं और एंगल चेंज करते हैं। ठीक है, क्लियर सर? जब टर्न हम लोग टर्न के लिए जाते हैं, तो कौन सा एंगल हमें बेस्ट हेल्प करेगा टर्न के लिए? गुड क्वेश्चन यार। लेग स्पिनर्स के लिए नॉर्मली आपको ज़्यादा टर्न चाहिए, तो जो आपका एंगल, जो रिलीज का एंगल जो बोलते हैं, ठीक है, वो है ना, अगर हमारी एक क्लॉक है, तो अगर यहाँ 12 है, यहाँ 11 है और यहाँ 1 है, तो मैं सजेस्ट करूँगा 11, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम हमारी रिस्ट को टाइम मिलता है, रिस्ट को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बॉल को रोल करने की और पर्टिकुलर साइड स्पिन का एंगल देने का, तो वहाँ से ज़्यादा स्पिन मिलेगा, ठीक है? और फिर ये एंगल अलग चीज़ है, ये जो दूसरे एंगल है इनका भी अलग इफेक्ट रहेगा। अगर क्लोज टू स्टंप डालोगे, और 11 से डालोगे, तो आपको दिखने में वो ज़्यादा टर्न दिखेगा और लगेगा, दिखेगा वहाँ पे होएगा टर्न। और कोई क्वेश्चन सर? अगर हम एंगल पीछे वाले साइड से डालें तो क्या फ़ायदा होता है? पीछे वाली साइड से ना, अगर हमने पीछे वाली साइड, कौन सा आप ये बॉक्स में? हाँ सर, पीछे में, या इसके भी पीछे? नहीं, बॉक्स में, बॉक्स में पीछे। तो ये क्रीज का यूज करना है, इससे हमारा लेंथ चेंज होता है, हमारा डिप चेंज होता है, बॉल डिप होती है ना, क्योंकि अगर हम पीछे से डालेंगे तो बॉल डिप ज़्यादा होएगा, और डिप के लिए फिर वही है, आपने कितना उसको फ्लाइट दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से बॉल डाल रहा हूँ, तो बॉल का अगर हमें लेंथ चेंज करना है स्पेशली, बगैर रिलीज को और किसी भी चीज़ को चेंज किए हुए, क्योंकि ये मेरे को किसी ने, मुझे भी किसी ने बताया था, तो और वो वन ऑफ द मतलब इंडिया के बेस्ट कैप्टन रहे हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, अगर आपको एक्शन में कोई चेंज नहीं करना और रिलीज में कोई चेंज नहीं करना और लेंथ चेंज करनी है, तो ये बेस्ट वे है आपको लेंथ चेंज करने का, और आगे से या पीछे से डालना। और वो कैप्टन का नाम है MS धोनी, ठीक है? आया समझ से?